वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आवर साईं विनायक अकाउंट्स क्लासेस। और दोस्तों आज दिस वीडियो इज़ टोटली मैंट फॉर लॉ स्टूडेंट्स, स्पेशली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम सेमेस्टर नंबर 2 और एग्ज़ाम पेपर है 4, उसके अंदर आपका सिलेबस का पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2। उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 के अंदर हमें एक स्पेशल एक्ट पढ़ना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ऑफ कोर्स पहले सेल्स ऑफ गुड एक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट अब बाद में उसको अलग कर दिया 1930 में। तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ टू द पॉइंट और क्रक्स आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स के अंदर हिट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि सर गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब होता है मूवेबल। जब भी हम बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स की तो गुड्स का मतलब होता है मूवेबल। जो भी मूवेबल आइटम्स होती हैं, जैसे मोबाइल है, कार है, फर्नीचर है, चेयर है, एसी है, जितनी मूवेबल आइटम्स होती हैं वो यहाँ कवर होती हैं इस गुड्स एक्ट के अंदर। कब आया था? 1930। थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं, गुड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं इस कानून के अंदर और क्या क्या चीज़ों को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको बोला, मूवेबल को इंक्लूड किया गया है और जो इमूवेबल हैं उनको टोटली हटा दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको इस कानून से क्या कर दिया गया है? एक्सक्लूड कर दिया गया है, ख़त्म। अब पढ़ते हैं इंक्लूड्स, किन किन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो मैंने सबसे लास्ट में लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे मूवेबल आइटम्स, जो भी आइटम्स मूवेबल हैं उन सब को आपने क्या करना है? इंक्लूड। बट कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो आपके साथ स्पेशल अटेंशन देनी है, जहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न होती है। जैसे पहला, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल। तो फसल को अगर आप अलग कर दोगे ज़मीन से तो उसको हम मूवेबल की कैटेगरी में डालते हैं, और अगर ग्रोइंग क्रॉप्स मूवेबल में आ जाएंगी देन इट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ गुड्स और उस पे ये वाला कानून एप्लीकेबल हो जाएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स के बाद नेक्स्ट है स्टैंडिंग टिम्बर, यानी सर जो टिम्बर के जो पेड़ होते हैं जब उनको काट दिया जाता है तो स्टैंडिंग टिम्बर को भी हम कहाँ कवर करेंगे? गुड्स की डेफिनेशन में। ग्रास, ग्रास को भी हमने कवर कर दिया। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को हम मूवेबल मानते हैं इस कानून के अंदर, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। ओल्ड करेंसी, ये ओल्ड करेंसी लिखा है, यानी सर ये जो पुराने ज़माने की करेंसी होती हैं, कभी आप हरिद्वार में जाओगे तो वहाँ पे पुराने ज़माने की करेंसीज बिकती हैं और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पैसों में बिकती हैं। तो उस ओल्ड करेंसी के ऊपर भी ये वाला हमारा कानून एप्लीकेबल है, पुरानी करेंसीज के ऊपर। फिर आते हैं ट्रेडमार्क्स, गुडविल, शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक, इन सब को भी किस कैटेगरी में डाला गया है? मूवेबल आइटम्स। इट मीन्स अगर आप शेयर्स बेचते हैं या आपकी जो गुडविल अगर आप बेचते हैं तो आप इस कानून के अंतर्गत आएंगे और इसके जो भी प्रोविजंस होंगे, प्रावधान होंगे, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है मूवेबल आइटम्स। तो ये मैंने आपको सिर्फ इस एक्ट में गुड्स का मतलब बताया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स, तो ओवरव्यू समझ आ जाएगा और फिर हम आपके साथ टोटल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीधा टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जिससे आप एग्जाम के अंदर इजीली इस चैप्टर को क्रैक कर पाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद अस।